मिया मोटो मुसासी दुनिया के उन सबसे महानतम तलवारबाजों में से एक थे जो इस धरती पर कभी चले होंगे। मिया मोटो मुसासी को जापान के अब तक के इतिहास का सबसे महान समुराई और सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज कहा जाता है। मुसासी एकाग्रता, जागरूकता, समर्पण और आत्मविश्वास की एक जीती जागती मिसाल थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को पूरी जागरूकता और समर्पण के साथ खुद को एक लक्ष्य में झोंक देना चाहिए। मुसासी एक बुद्धिस्ट थे और उन्हें पूरे जापान में तलवारबाज संत के नाम से जाना जाता था। वो अपने पूरे जीवन काल में कभी कोई लड़ाई नहीं हारे। उन्होंने आज से 400 साल पहले पूरे जापान में घूम घूम कर उस समय के सबसे ताकतवर, खुखार और निपुण योद्धाओं के साथ कुल 61 द्वंद्व युद्ध लड़े और हर द्वंद्व में सामने वाले प्रतिद्वंदी को धूल चटाई। वो जीवन पर्यंत अपराजित रहे और पूरे देश की यात्राएं करते रहे। मुसासी अपनी शिक्षाओं में एकाग्रचित होकर अभ्यास करने पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें बेहतर, ताकतवर, अमीर और बुद्धिमान बना सकता है। सब कुछ हमारे भीतर है, इसीलिए कुछ भी अपने से बाहर मत ढूंढो। 17वीं शताब्दी में जापान के सबसे ताकतवर और प्रसिद्ध समुराई होने के बाद भी उन्होंने अचानक से हिंसा का त्याग कर दिया और दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल की एक गुफा में रहने लगे, जहां उन्होंने कई महीनों तक गहरे ध्यान का अभ्यास किया। अपनी मृत्यु के सिर्फ 7 दिन पहले उन्होंने अपने चहेते शिष्य के लिए एक किताब लिखी और उसे नाम दिया डोकोडो, जिसका मतलब है आर्ट ऑफ वॉकिंग अलोन, यानी अकेले चलने की कला। उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी सीखा या अनुभव किया उसे इस किताब के अंदर 21 नियमों में बदल दिया, जिसमें से 9 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि उस महान इंसान ने किस सोच के साथ इस किताब को लिखा होगा, आखिर किन पिलरों पर यह किताब खड़ी है। तो पहला पिलर है आत्मअनुशासन। मुसासी का मानना था कि आत्मअनुशासन एक खुशहाल जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी चीज है। बिना आत्मनियंत्रण के व्यक्ति अपनी भावनाओं और लालसाओं का गुलाम बन जाता है और फिर इसके वश में आकर गलत निर्णय लेता है और गलत रास्ते पर चल पड़ता है। जीवन में अनुशासन लाकर हम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रह सकते हैं और ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो हमारे सिद्धांतों और जीवन मूल्यों से मेल खाते हैं। दूसरा पिलर है माइंडफुलनेस, यानी जागरूकता। मुसासी मानते थे कि वर्तमान में जीना और जागरूक होकर जीना जीवन जीने का सही तरीका है। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो अपने चारों ओर की सुंदरता और अच्छाइयों को देख पाते हैं, उन्हें महसूस कर पाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने लगते हैं। तीसरा और आखिरी पिलर है डिटैचमेंट, यानी अनासक्ति। मुसासी का मानना था कि बाहरी चीज़ों और घटनाओं से खुद को जोड़ लेना दुख का कारण है। खुद को हर तरह के लगाव से दूर करके ही व्यक्ति आत्मशांति प्राप्त कर सकता है और एक संतुष्ट जीवन जी सकता है। अब हम बात करते हैं उन नियमों के बारे में जिन्हें मिया मोटो मुसासी ने अपनी किताब डोकोडो में बताया है, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति एक सफल, अनुशासित, खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। पहले नियम में मुसासी कहते हैं, सब कुछ जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो। यह नियम जीवन की सच्चाई को स्वीकारने के महत्व पर जोर देता है, बजाय इसके कि हम कपोल कल्पनाएं करते रहें कि सब कुछ ऐसा होना चाहिए। चीजें जैसी हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेना हमें बेवजह के दुख और तनाव से मुक्त रखता है। साथ ही परिस्थिति की हकीकत को स्वीकार कर लेने से उस क्षण जो भी मौके उपलब्ध हैं हम उन पर सही से ध्यान दे पाते हैं और उनका सही फायदा उठा पाते हैं। सच्चाई को स्वीकारना हमारी आंतरिक शांति और संतोष के लिए बेहद जरूरी है। जब हम अपने आसपास की चीज़ों और लोगों को वो जैसे हैं उन्हें वैसा ही स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हमारे अंदर का वो घमंड जो लोगों या बाहरी परिस्थितियों को बदलना और नियंत्रित करना चाहता है वह खत्म हो जाता है और हम ज़्यादा शांतिपूर्ण तरीके से रह पाते हैं। इस नियम के माध्यम से मिया मोटो मुसासी हमें दुनिया को खुले दिल और दिमाग से बिना किसी पूर्व निर्णय के देखना सिखाते हैं और ऐसा करके हम दुनिया को वो जैसी है उसे वैसा ही देख पाते हैं, ना कि अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं के चश्मे पहनकर। हालांकि यह कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हर परिस्थिति को स्वीकार लेना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हमारी उम्मीदें और सपने टूटते हैं या फिर हमारा कोई अपना हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। लेकिन फिर भी सच्चाई को स्वीकार लेने से व्यक्ति अंदर से शांत और हल्का महसूस करता है। जिस व्यक्ति ने परिस्थिति को स्वीकारने की आदत डाल ली है उसके सामने फिर चाहे कितनी मुसीबतें आएं वो हर हाल में मुस्कुरा सकता है। दूसरे नियम में मुसासी कहते हैं, अपने लिए मजा मत ढूंढो। ये नियम कहता है कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल सुख का भोग करना नहीं होना चाहिए। अच्छा भोजन करना, अच्छे कपड़े पहनना, मौज मस्ती करना जरूरी तो है, लेकिन इसमें इतना नहीं खो जाना
कि अपने जीवन के उद्देश्य को ही भुला दो और हर समय सिर्फ मजे की तलाश में ही रहो। सुख भोगों का त्याग करके व्यक्ति ज्यादा स्थिर और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता है। हर रोज खुद से पूछो, क्या मेरा जन्म सिर्फ खाने पीने और मजे करने के लिए हुआ है या फिर मेरे जीवन का कोई मकसद भी है। मजे के पीछे भागना हर व्यक्ति की आंतरिक चाहत होती है, लेकिन यही मजा उसके दुख का कारण भी बनता है। जब हम सिर्फ मजे के पीछे भागते हैं तो हम अपनी आदतों और चीजों के आदि हो जाते हैं। ये नियम हमें मध्य में रहकर जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है, यानी ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, हर चीज को आवश्यकता के अनुसार करो, क्योंकि असली खुशी बाहरी चीजों के उपभोग से नहीं मिलती बल्कि हमारे अंदर से आती है। जब हम सिर्फ तुरंत मिलने वाले मजे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं तो हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदि हो जाते हैं, यानी हम सिर्फ ऐसा ही काम करते हैं जिसका रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाए। हमारा मन बड़ी योजनाओं या बड़े लक्ष्यों पर काम करने की काबिलियत खो देता है। हम किसी भी काम में लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते और जीवन के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने से चूक जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने काम में लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते, आपका मन बार बार भटकता है, तो अपने फोकस को इम्प्रूव कैसे करें, इस बारे में डिटेल से जानने के लिए आप कुकु एफएम पर हिंदी में एक ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं जिसका नाम है हाउ टू इम्प्रूव योर फोकस। ये ऑडियो बुक आपको आपके दिमाग को बेहतर बनाने में हेल्प करेगी। आप ना सिर्फ ये जानेंगे कि हमारा दिमाग क्या क्या कर सकता है बल्कि ये भी जानेंगे कि हम अपने दिमाग के साथ क्या क्या कर सकते हैं। और जिन्हें कुकु एफएम के बारे में नहीं पता, ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 15 लाख प्लस एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स हैं और हर महीने 4200 घंटों से ज्यादा का न्यू कंटेंट अपलोड कर दिया जाता है। कुकु एफएम पर आपकी और मेरी तरह लाखों लोग हर दिन 1.5 लाख घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। इन शॉर्ट, कुकु एफएम इज 10 टाइम मोर वैल्यूएबल देन बिफोर। और अगर अभी तक आपने इसके ह्यूज डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाया है तो अभी देर नहीं हुई, क्योंकि अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड WI50 तो आपको इसके फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा सीधा 50% का डिस्काउंट, यानी ये आपको पड़ेगा 99 की बजाय सिर्फ 49 रुपीज का। इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। आइए वीडियो में वापस लौटते हैं। तीसरा नियम, जो हो गया उसका पश्चाताप मत करो। ये नियम हमें याद दिलाता है कि हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते और अतीत में हुई गलतियां या बुरी घटनाओं को याद करके हम केवल दुखी ही हो सकते हैं। तो बीते हुए कल के बारे में पश्चाताप करने से अच्छा है कि हम अपने अतीत में हुई गलतियों से सीखें और ज़्यादा समझदारी व बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ जाएं। पश्चाताप वो बीमारी है जो हमें अतीत में ही फंसाए रखती है और आगे नहीं बढ़ने देती। इस नियम में मुसासी हमें अतीत में हुई गलतियों को स्वीकारने और खुद को व दूसरों को माफ़ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि आज हम जहाँ पर भी हैं अतीत में घटी घटनाओं और लिए गए निर्णयों की बदौलत ही हैं। ऐसा करके हम स्वयं को अतीत के भार से मुक्त करके मौका देते हैं वर्तमान से जुड़ने का। निश्चित रूप से इस नियम में मुसासी हमें अतीत को भूलने के लिए नहीं कह रहे बल्कि जिसे बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करके उससे सीख के ज़्यादा स्पष्टता और बड़े उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। चौथा नियम, अपनी अधूरी भावनाओं पर निर्भर मत करो। ये नियम हमें अपनी अधूरी भावनाओं के वशीभूत होकर निर्णय लेने से रोकता है, जैसे गुस्सा अति उत्साह जलन इत्यादि। हम अक्सर अपनी अधूरी भावनाओं के आधार पर निर्णय ले लेते हैं जो आगे चलकर हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। मुसासी कहते हैं कि व्यक्ति को खुद की गहरी समझ और परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करके हम खुद को अधूरी जानकारी के साथ जल्दबाजी भरे निर्णय लेने से बचा सकते हैं जिसके लिए बाद में हमें पछताना पड़ेगा। ये नियम हमें अपनी अधूरी भावनाओं और उत्तेजनाओं के साथ दूरी पैदा करने के लिए कहता है और इसके बजाय स्थिर बुद्धि और शांत मन के साथ निर्णय लेने के लिए कहता है। अधूरी भावनाओं के वश में आकर निर्णय लेने के बजाय शांतचित्त होकर निर्णय लेने वाला व्यक्ति खराब से खराब परिस्थिति आने पर भी बड़ी आसानी से उसका सामना करके बाहर निकल सकता है। पांचवा नियम, खुद के बारे में हल्का और दुनिया के बारे में गहराई से सोचो। ये नियम हमें विनम्र रहना सिखाता है। इस नियम में मुसासी कहते हैं व्यक्ति को हर समय सिर्फ खुद के महत्व और सिर्फ खुद के बारे में ही नहीं सोचते रहना चाहिए, यानी व्यक्ति को अपने अहम अपने घमंड को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए बल्कि खुले दिमाग के साथ इस दुनिया को देखना और उसके बारे में गहराई से सोचना चाहिए। इस दुनिया में कितना कुछ है जो देखने लायक है, विचार करने लायक है, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ खुद तक ही सिमट कर रह जाते हैं। हमें अपने अहम को कम करके लोगों को दया भावना के साथ देखना और उनके साथ पेश आना चाहिए। हमें लोगों से और इस दुनिया से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें प्रकृति की सुंदरता को निहारना और उसे महसूस करना चाहिए। खुद के बारे में कम और इस दुनिया के बारे में ज़्यादा उत्सुकता के साथ सोचना चाहिए। इस नियम में मुसासी खुद को कम समझने या खुद की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने के लिए नहीं कह रहे बल्कि वो सिर्फ खुद में ही ना खोए रहने और इस दुनिया के साथ एक मजबूत संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। छठा नियम,
अपनी इच्छाओं से दूरी बनाकर रखो। इस नियम में मुसासी डिटैचमेंट यानी आसक्ति की बात कर रहे हैं। वो भौतिक संपत्ति, शक्ति और सुंदरता से खुद को आसक्त रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें यह सब छोड़ देना चाहिए, पैसा नहीं कमाना चाहिए, शक्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए। बल्कि मुसासी कहना चाह रहे हैं कि हमें इन सब चीज़ों के साथ रहकर भी उनसे आसक्त रहना है, यानी उनका उपयोग तो करना है लेकिन उनसे लगाव पैदा नहीं करना, अपने अस्तित्व को उनके साथ नहीं जोड़ना। अगर वो चीज़ कल तुम्हें छोड़कर जाती है तो तुम्हें उसका दुख नहीं होना चाहिए, यानी भौतिक पदार्थों के साथ रहकर भी अंदर से उनके साथ दूरी बनाए रखनी है। सातवां नियम, कभी ईर्ष्या मत करो। ये नियम हमें बताता है कि जलन और ईर्ष्या इंसान को कहीं नहीं पहुँचने देती। ऐसी स्थिति में इंसान का ध्यान सिर्फ उन चीज़ों पर होता है जो उसके पास नहीं है। वह उन चीज़ों को नहीं देख पाता जो उसके पास हैं। वह सामने वाले की उस वस्तु, उसकी विशेषता या उसकी सफलता देखकर जलता रहता है और खुद आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर पाता। जलन व्यक्ति को नकारात्मकता से भर देती है, जिससे वह सामने वाले का कम और खुद का ज़्यादा नुकसान कर बैठता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि जिसने जिस स्तर की मेहनत की है उसे उस स्तर की सफलता जरूर मिलनी चाहिए, और हमें इससे जलन नहीं बल्कि खुशी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि उतनी मेहनत करके हम भी वो चीज़ या सफलता हासिल कर सकते हैं। हमें समझना चाहिए कि हम सबकी परिस्थितियाँ अलग थी, रास्ते अलग थे, सोच और मेहनत अलग थी, इसीलिए सफलता भी अलग अलग स्तर की ही मिलेगी। हम अपने अंदर की ईर्ष्या को खत्म करके ज़्यादा शांत और खुशहाल जीवन जी सकते हैं, लोगों से ज़्यादा सीख सकते हैं और उनके साथ गहरे संबंध बना सकते हैं। आठवां नियम, अलग होने से कभी दुखी मत हो। इस नियम में मुसासी समझाना चाहते हैं कि अलग होना इस प्रकृति का एक स्थायी नियम है। हर किसी को कभी न कभी किसी न किसी से अलग होना ही पड़ेगा। ये जीवन अस्थायी है, ये दुनिया अस्थायी है और हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मुसासी जीवन भर जापान की यात्रा करते रहे, लेकिन उन्हें कभी भी किसी के अलग होने से तनिक भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने स्वीकार लिया था कि अलग होना प्रकृति का नियम है और इस नियम के खिलाफ जाकर हम केवल दुखी हो सकते हैं और कुछ नहीं। नौवां नियम, क्रोध और शिकायत खुद के लिए व दूसरों के लिए दोनों के लिए हानिकारक हैं। ये नियम हमें नकारात्मक ऊर्जा की जीवन बर्बाद कर देने वाली शक्ति के बारे में चेतावनी देता है, जिसके बस में आकर लोग एक दूसरे के प्रति कड़वाहट और गुस्से से भर जाते हैं। मुसासी कहते हैं कि क्रोध और शिकायत करने की बजाय व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से बीच का समाधान निकालना चाहिए। मुसासी ने जीवन भर तलवारबाजी की, बड़े से बड़े खुखार योद्धाओं को हराया, लेकिन उन्होंने कभी भी क्रोध या शिकायत नहीं की। वो हर लड़ाई के दौरान खुद के दिमाग को बर्फ की तरह ठंडा रखते थे और कभी भी अपनी योजना को दोहराया नहीं। हर बार एक नई योजना के साथ युद्ध लड़ते थे, इसीलिए शायद वो कभी नहीं हारे, क्योंकि मुसासी के काम में अगर एक सेकंड के लिए भी मन विचलित होता है तो उनका सिर धड़ से अलग हो सकता था। इसीलिए मुसासी सिखाते हैं कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, खुद को शांत रखो और शिकायत करना छोड़ दो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मियामोटो मुसासी की किताब डोकोडो के ये 9 नियम पसंद आए होंगे और आपने भी इनसे काफ़ी कुछ सीखा होगा। और वीडियो खत्म करने से पहले एक बार फिर याद दिला दूँ कि कुकू एफएम पर हाउ टू इम्प्रूव योर फोकस बुक की हिंदी ऑडियो बुक को सुनना ना भूलें, और मंथली सब्सक्रिप्शन पर 50% डिस्काउंट के लिए आप WI50 कूपन कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।